ग्रेट मॉर्निंग, टुडे इज़ द बेस्ट डे। और आज की वीडियो में चार ऐसे सक्सेसफुल होने के मंत्र के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि एक ऐसे शख्सियत ने दिए जिनका जन्म तमिल फैमिली में एक छोटे से टाउन रामेश्वरम में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और आगे चलकर वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने और एक मिसाइल मैन के रूप में उनको जाना जाता है। मिसाइल मैन से आपको याद आ गया होगा कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। जब किसी ने उनसे पूछा कि हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, किसी स्टूडेंट ने, छोटे से स्टूडेंट ने उनसे क्वेश्चन किया कि हमें लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो APJ अब्दुल कलाम जी ने चार ऐसे मंत्र दिए जिनको अगर हम लाइफ में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वो सक्सेस हमें मिल सकती है, जिस सक्सेस को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अचीव किया। तो सबसे पहली बात उन्होंने जो बताई कि हमें ग्रेट एम यानी हमें एक महान लक्ष्य सबसे पहले अपना सेट करना पड़ेगा, एक बड़ा सा हमें गोल सेट करना पड़ेगा। जिस तरह से APJ अब्दुल कलाम जी जिनका जन्म की एक छोटे सी मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और उन्होंने ग्रेट एम एक महान लक्ष्य वहाँ से उन्होंने सेट किया कि उन्हें साइंटिस्ट बनना है और वो उस लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया। तो सबसे पहले हमारा एक महान लक्ष्य होना चाहिए। बोलते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज हम कहाँ पे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हमें आगे जाना कहाँ पे, हमारी मंजिल क्या है। तो हमें सबसे पहले एक ग्रेट एम के साथ काम करना पड़ेगा, एक महान लक्ष्य अपना सेट करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी जो उन्होंने बात कही कि हमें लगातार कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज यानी हमें लगातार नॉलेज यानी ज्ञान को लगातार अर्जित करना पड़ेगा। जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हम लाइफ में बनना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट, कौन सी स्किल्स हमें सीखनी है, कौन सा नॉलेज हमने उसके लिए एक्वायर करना है, वो सारी चीज़ें हमें लगातार करना पड़ेगा। यानी लगातार हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, लगातार अपने नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा इस बदलते हुए ज़माने के अनुसार। और तीसरी जो बात उन्होंने कही कि हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा यानी हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें जितना हो सके उतना अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और जो चौथी और लास्ट चीज़ है कि हमें एक दृढ़ संकल्प के साथ काम करना पड़ेगा, हमें एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, एक संकल्प हमें करना पड़ेगा कि जो हम लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उसको पूरा करके ही दम लेंगे। अगर एक दृढ़ संकल्प हमारे अंदर होगा तो हम जरूर उस सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो ये चार चीज़ें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने बताई कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो पहला ग्रेट एम यानी महान लक्ष्य हमारा होना चाहिए, दूसरा कंटिन्यूअसली नॉलेज एक्वायर यानी लगातार हमें ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, और तीसरी चीज़ हमें हार्डवर्क हमें मेहनत करनी पड़ेगी और एक दृढ़ संकल्प हमें लेना पड़ेगा उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको अगर वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर आप APJ अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी जो उनकी है विंग्स ऑफ फायर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको परचेज करके और APJ अब्दुल कलाम जी जैसी महान शख्सियत के बारे में पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है।